तो दोस्तों यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा इस बार यानी कि 2021 में दिए हैं तो आपको बताए दोस्तों कि बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, आप तमाम छात्र एवं छात्रों को हित में लिया गया है। आपको बता दें कि सभी छात्रों को मिलेंगे 10-10 ग्रेस मार्क। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि रिजल्ट से पहले आप तमाम छात्र एवं छात्रों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या कुछ बताया गया, क्या कुछ यहाँ पे आया है बोर्ड की तरफ से न्यूज, आया क्या यहाँ पे आर्टिकल बताया गया है, पूरी जानकारी दोस्तों वीडियो को लास्ट तक मिलने वाले थे। वीडियो को लास्ट जरूर देखेगा दोस्तों, उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों बिहार बोर्ड रिजल्ट 2021 की पल पल की खबरें आप तक इसी तरह पहुंच सकेगा सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं, आज के आर्टिकल में यहाँ पे निकल के आ रहा है कि इंटरमीडिएट में अधिकतम 10% का ग्रेस मिलेगा। ठीक है, तो क्या कुछ बताएगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इंटरमीडिएट रिजल्ट से पहले बिहार बोर्ड ने जरूरतमंद परीक्षार्थी को ग्रेस अंक देने की नियमावली तय कर दी है, और आगे दोस्तों लिखता है कि इस बार अधिकतम 10% तक ग्रेस अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। हालांकि भाषा विषय में फेल होने पर कोई ग्रेस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप भाषा विषय में फेल होते हैं, चाहे वो हिंदी इंग्लिश मैथिली उर्दू या कोई भी भाषा विषय है, तो उसमें दोस्तों आपको ग्रेस अंक नहीं मिलने वाला है। और वहीं पे दोस्तों आगे लिखता है कि अधिकतम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 10% यानी कि 10 मार्क यहाँ पे ग्रेस देने का फैसला बिहार बोर्ड ने पहली बार किया है। और उसी के साथ दोस्तों आगे लिखता है कि इससे पहले बोर्ड एक विषय में अधिकतम 8% और दो विषय में 4-4 यहाँ पे फीसदी दोस्तों देख सकते हैं कि तक ग्रेस देता था। बोर्ड की ओर से जारी नियमावली के अनुसार किसी छात्र का कुल प्राप्तांक यानी कि 75% है, लेकिन वो किसी एक विषय में फेल हो गए तो उस छात्र को दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पास कराने के लिए बोर्ड अधिकतम 10% तक ग्रेस अंक देगा। और वहीं पे दोस्तों लिखता है बशर्ते कि छात्र ने यहाँ पे कोई और लाभ ना लिया हो। तो दोस्तों इस आर्टिकल से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इस बार बोर्ड द्वारा 10 मार्क तक यहाँ पे ग्रेस मार्क दिए जाएंगे इंटर वाले तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यदि मान लीजिए आपका फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, मान लीजिए कोई भी डिवीजन आपको 10 मार्क, ठीक है, 10 मार्क से आपको छूट रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 10 मार्क बोर्ड की तरफ से दे दिया जाएगा ग्रेस अंक के रूप में। और वहीं पे दोस्तों मान लीजिए आप, ठीक है, फेल हो रहे हैं किसी भी विषय में फेल हो रहे हैं, तो आपको 10 मार्क तक दिए जाएंगे एक विषय में। और वहीं पे दोस्तों यदि आप दो विषय में फेल हो रहे हैं फिर भी दोस्तों आपको पास कर दिए जाएंगे यदि 5-5 अंक लग रहे हैं। तो दोस्तों तो इस तरह से यहाँ पे ग्रेस मार्क आप तमाम छात्रों और छात्रों को इस बार मिलेंगे। बहुत यहाँ पर जो उम्मीद है, ठीक है, कि इस बार जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ही जो अच्छा आने वाला है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस बार इंटर का रिजल्ट जो है 90%, ठीक है, 90% से यहाँ पे दोस्तों अधिक जो है इस बार रिजल्ट जो है आने वाला है बिहार बोर्ड का। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस बार लगभग दोस्तों यहाँ पे फेल होने का कम ही चांस है, और ऊपर से यहाँ पे, ठीक है, आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे 10 मार्क तक। तो बड़ी खुशखबरी दिया है बिहार बोर्ड ने। तो दोस्तों इस वीडियो में था इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे में आपको एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसको दबा के काला कर दीजिए, बगल में एक घंटी आ जाएगा, इसको दबा के आपको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको बिहार बोर्ड रिजल्ट 2021 की पल पल की खबरें आप तक इसी तरह पहुंच सकेगा सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।